उर्फी जावेद द फैशन इन्फ्लुएंसर, और आज तक मुझे इसकी एक भी वीडियो में फैशन नहीं दिखा। जितनी स्पीड से इनके कपड़े पहनने की सेंस चली गई, उतनी स्पीड से इनकी वीडियो पर व्यूज आने लगे। जी हाँ, ये वही है जिसके आए दिन किसी न किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हो ही जाती है। और अब तो कपड़ों को भी उर्फी जावेद से एलर्जी होने लगी। कपड़ों को नहीं, उर्फी को। So now you guys know, right, that why I don't wear clothes, because I have this serious condition. Like my body starts reacting when I wear clothes. The proof is there. वैसे तो ये दीदी अपने आप को एक्ट्रेस बुलाते हैं, मगर एक्टिंग करते करते कपड़ों की किलर कब बनी पता ही नहीं चला। माँ की सूखती कटक देख होगी तना भड़क, मगा मान जाना ना से करा हुआ वाकी के गाड़ी के टारा के नीचे एक आता तबा वाकी के मुंह। When I was in Big Boss, I made an outfit from dustbin bag. Let's repeat history but better. क्या तुम्हें पता है बॉलीवुड और उर्फी जावेद के बीच में क्या सिमिलरिटी है? दोनों रीमेक के नाम पे हक दे ही है। इस वीडियो के बाद तो पॉली बैग के शेयर एकदम नीचे गिर गए होंगे। अरे उर्फी जी, क्या पहन लिया आपने? ये समोसा क्यों बनी हुआ? तो लोग खैर, अब की बार तो इनके फैशन डिजाइनर ने कुछ अच्छा काम किया। कम से कम उस पन्नी के कपड़ों से तो ठीक है। तुम एक दो हफ्ते और रुक जाओ उर्फी जी, असली के समोसे भी टांग के आ सके। बस तुम ये तो छोड़ दो, अभी मैं तुम्हें उर्फी जावेद की बहन से मिलाता हूँ। दीदी अभी बच्चों वाली हरकतें मत करो, ये सिर्फ बचपन में ठीक लगे, लोग मजाक उड़ाया करेंगे आपका। आ गया भाई, आ गया फैशन इन्फ्लुएंसर का सही वक्त आ गया। अगर अभी लोगों को ऐसे कपड़े देखने में मजा आ रहा ना, तो बस हो लिया काम। और बाय तो देखो इनका, पेपर क्वीन, पब्लिक फिगर, फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर? दीदी आपने पब्लिक फिगर लिखा वो हमने मान लिया, पर ये ऐसे कपड़े बना के फैशन डिजाइनर कैसे बनेगी? सही है भाई, कम से कम लोग कुछ तो बन रहे, पर हम नल्ले ही रह जाएंगे। और तुम जो वीडियो देख रहे हो, तुम भी नल्ले ही रह जाओगे। अभी तुम लोग भी सोच रहे होंगे यार, ऐसी फैशन डिजाइनिंग में हमारी छोरियां ही अज्ञा है के। तो मॉडल बनने आए हो? जी नहीं, सुपर मॉडल। अरे छोरे, छोरियों तक कम है के? अभी तक ये देख रहा था ये कम नहीं था, जो अभी तुम भी आ गए। आठ है, आठ। पर वैसे अभी कुछ जेंजी लोग इसको आर्ट बोलेंगे, पर मेरे भाई इंद्रधनुष बनाना कोई आर्ट नहीं होता। इस हिसाब से तो मैं बचपन में ऐसी बहुत सारी ड्राइंग बना लेता था, तो क्या मैं आर्टिस्ट हुआ? पर यार खैर छोड़ो, कोई हमारी तरफ से समोसों के कपड़े पहनने, फिर कोई कागज के, मुझे उससे क्या, मुझे तो बस रोस्ट करना है। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर दो वीडियो को, और ज्यादा ही भयंकर पसंद आ गई तो कमेंट कर दियो। और जो सबसे ज्यादा मजे आ गए हो तो वही सब्सक्राइब भी कर दो, और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, फिर उससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसके साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।